तो आरबीआई लेकर आ चुका है एक अपनी वेबसाइट जो कि नाम है उद्गम। अब ये क्या है कि जैसे आपने इसका नाम पता होगा, अनक्लेम डिपॉजिट गेटवेज टू एसेस इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर आपका कोई भी जो अनक्लेम डिपॉजिट है, आप कोई भी किसी बैंक में जिसमें आप भूल चुके हो पर आपको याद नहीं कि यार मैंने कहाँ रखा था, क्या है अनक्लेम वगैरह, या कोई आपका जो भी पेरेंट्स हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो जिनकी भी कोई भी डिपॉजिट होगी, वो आपको इस वेबसाइट के थ्रू पता चल जाएगी कि उन्होंने वो कहाँ रखी थी। और अगर वो किसी भी अनक्लेम सिचुएशन में अगर वो आपसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप जान पाएंगे कि उनके कितने भी डिपॉजिट है वो कहाँ पे, और आप इजीली उनको एक्सेस कर पाएंगे और बैंक से निकाल पाएंगे। फिलहाल इसमें भी 6-7 बैंक ही हैं, अभी मैं आपको अंदर जाकर दिखा देता हूँ। पहले आपको जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर बिल्कुल नॉर्मल है, अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू पासवर्ड चूज करके आप रजिस्टर कर लें। फिलहाल मैं आपको इसमें लॉग इन करके दिखा देता हूँ कि कैसे वर्कआउट करें। तो ये है लॉग करने के बाद, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल लिखा हुआ है। इंडिविजुअल यानी कि अगर आप हैं, नॉन इंडिविजुअल यानी कि अगर आपकी कोई भी प्लान, कोई भी फॉर्म थी, कोई कंपनी थी, तो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं कितने डिपॉजिट आपके बैंक अकाउंट से रखे हुए हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो यहाँ पे आप लिखा हुआ है कि आप अपना यहाँ पे नाम डालें, बैंक को सर्च करें कि सर यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 बैंक हैं और अक्टूबर तक और सारे बैंक भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। या तो आप सारे बैंक को सिलेक्ट कर लें एक एक करके, या फिर अगर आपको एक पर्टिकुलर बैंक में देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं, नहीं तो आप सारे बैंक यहाँ पे इजिली सिलेक्ट हो जाएंगे जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। और PNB, साउथ इंडियन स्टेट बैंक वगैरह सारे यहाँ पे इजिली सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप अपना नाम डालें और इसे मैं डाल देता हूँ, और यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल सकते हैं, पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पैन। नॉर्मली पैन हर जगह होता है या फिर डेट ऑफ बर्थ हमेशा हर जगह रहती रहती है, तो आप जो चूज कर लें। उसके बाद सर्च करें, सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको सारा कुछ दिखा देगा कि आपका कहाँ पे रिजर्व अवेलेबल है और यहाँ पे कहाँ पे रिजर्व अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा एड्रेस वगैरह भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सपोज करिए अगर मैं एड्रेस लिख देता हूँ कोई भी, जैसे कि मैं लिख देता हूँ दिल्ली, स्टेट इज यूटी स्क्वायर, तो मैं डेट स्टेट यूज कर देता हूँ। तो पहले मुझे यहाँ पे किसी सिटी का नाम देना होगा और मैं दिल्ली देता हूँ, और यहाँ पे चूज कर लेता हूँ दिल्ली को, और सर्च कर देखते हैं। सर्च करने के बाद ऐसी जगह कोई भी जितने भी होंगे वो यहाँ पे आपको अकाउंट फिल्टर्स वगैरह दिखा देंगे कहाँ कहाँ पे है अनक्लेम डिपॉजिटर्स पड़े हैं जिनको जाके आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा पर ये डेटा जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ता जाएगा और भी ज़्यादा टाइम लेगा, पर फिलहाल ये काफ़ी अच्छी तरह से वेबसाइट है जो कि आप इसका लुत्फ़ उठाएं और देख सकते हैं कि कहाँ पे अनक्लेम डिपॉजिट्स वगैरह पड़े हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी अनक्लेम डिपॉजिट्स का पता लगा सकें। चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।